doing fine and good morning to you all. बहुत लेट मैं वीडियो डाल रही हूँ, आई एम सॉरी क्यों इतना लेट डाल रही हूँ, अभी मैं बाद में बताऊँगी। लेकिन फिलहाल अभी मुझे निकलना है जल्दी, क्योंकि मुझे पहुँचना है 7 बजे तक साइन। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ ना, कल मैं और मेरी मामा साथ में ऑफिस गए थे, उनको कुछ मेरा बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाना था, तो उन्होंने कहा था आज यहाँ पे ऑफिस से जब उनको छुट्टी दी मिलेगी तो साथ में दोपहर में जल्दी खुलवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो गए, फिर जब शाम को घर पे लौट रहे थे, मामा ने गलती से अपनी पेंडल्स वगैरह मेरे बैग में डाल दी, जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंस है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ला के कल दे देना, क्योंकि मुझे ज़रूरी कल वापस ऑफिस में ले जाना। मैंने कहा ठीक है, इसलिए मैं सुबह जल्दी निकली। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, हाँ सर, 5:15 हो रहे हैं, हो जाऊँगी 1 घंटे, 6:30 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगी। तो हम निकलते हैं, बाहर चल के बात करते हैं। ओके चलो, मेरा तो जो काम था वो मेरा हो गया, जो पेंडल्स वगैरह मामा को देनी थी वो मैं दे चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ, यहाँ पे एक साइन किला है जो कि बहुत ही पुराना है, और मैं यहाँ पे जब मामा के यहाँ पे पढ़ती थी तो मैं यहाँ पे आती थी पढ़ने के लिए, अपनी 9th-10th के एग्ज़ाम्स की पढ़ाई मैंने यहीं पर की है, और सोचा चल के आप लोग को एक्सप्लोर कर देती हूँ। बहुत ही अच्छा है ये, यहाँ पर ये एक साइन किला है जो स्टेशन से, साइन स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे है, आप लोग पैदल भी आ सकते हो। और यहाँ पे 2 गेट्स हैं जो सिर्फ एक ही मेन है, एक हमेशा बंद रहता है। और अभी मैं अभी गेट पे एंट्री मार रही हूँ, खुला है ये, सुबह रोज़ डेली 6 बजे खुल जाता है। तो मेन गेट में दिखा दे रही हूँ, ये मेन गेट है और यहीं से सब एंट्री करते हैं, ये रोज़ सुबह 6 बजे खुल जाता है। यहाँ पे मेरे चढ़ रही हूँ, यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड में ठीक बच्चों के पढ़ने के लिए बनाया गया है, और मेरे ठीक राइट साइड में छोटा सा गार्डन है जहाँ पे सिटीजन्स आते हैं रोज़ सुबह डेली एक्सरसाइज करने के लिए। अभी उतने लोग आए नहीं हैं, लेकिन फिर भी यही है, मेरे राइट साइड में यही गार्डन है, ये छोटा सा, यहाँ पे सिटीजन्स आते हैं डेली एक्सरसाइज करने के लिए। और वहाँ पे एलआई साइड में जो बच्चों को पढ़ने के लिए बनाया है, पर चल रही दिखा रही हूँ, अब अभी बच्चे हैं कि नहीं है दूर से ही दिखाऊंगी, क्योंकि उनको डिस्टर्ब करने कोई मतलब नहीं है। अब बच्चे यही है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, जिसको शांति से बैठ के पढ़ना रहता है वो इधर आके बैठ के पढ़ता है, और जिसको खुली हवा में पढ़ना रहता है वो ऊपर चला जाता है, चाहे टॉप पे चला जाएगा। यहाँ पे मतलब बहुत ही बड़ी जगह। अब मैं अपने लेफ़्ट साइड से, नहीं लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से शुरू कर रही हूँ। हैप्पी सिटीजन्स है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी ज़्यादा लोग आए नहीं हैं, बस इतने ही लोग हैं अभी, मतलब अभी जैसे नहीं सुबह है, सुबह के 6:07:20 हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना वैसे वैसे यहाँ पर गर्दी बढ़ेगी। ये 12 बजे तक ही खुला रहेगा यहाँ पे, मतलब मैं 1 साल पहले आई थी तो उतना इम्प्रूव नहीं था, वो बच्चों का गार्डन उतना नहीं था, लेकिन अब देख रही हूँ तो बच्चों का गार्डन भी बन गया है, और अच्छा खासा बैठने के लिए जो चेयर्स वगैरह थी वो भी बना दिए हैं। यहाँ पे बच्चे आते हैं खेलने के लिए, और अभी इतनी गर्दी है नहीं। यहाँ पे कपल्स भी आते हैं, लेकिन कपल्स लोग के लिए बैठने के लिए अलग बनाया है, और जो फैमिली मेम्बर्स के लिए है वो अलग बनाया है, मतलब सबके लिए सुविधा है यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं एकदम टॉप पे, जहाँ से बहुत ही अच्छा दिखता है ऊपर, जो टॉप है वहाँ पे, जो टॉप का है ना वहाँ पे, मतलब जो डांस वंस कुछ रहेगा वहाँ पे जाती हैं लड़कियाँ, प्रैक्टिस करती हैं, और जिसको पढ़ने उड़ने का मन भी करता है अकेले एकदम एकांत में, वो भी जाता है टॉप पे। और कुछ कपल्स रहते हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए रहती, वो भी टॉप पे जाता है।
यहाँ पे इतनी एक्चुअली यहाँ पे रात में डर लगता है क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा है ना, और देखने लोगों को पता चल रहा होगा ये कोपचा है, कपल्स लोग की प्राइवेसी के लिए है। देख लो ये, चलो देख तो लिया आप लोगों ने ना, ये बारिश की वजह से इतना अच्छा दिख रहा है। तो मैं थोड़ा हैंडल बढ़ा लूँ, हम लोग इधर से चढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक दूसरा रास्ता भी है, वहाँ से टर्न होके आएंगे ना तो उस रास्ते से आएंगे। देखो यहाँ पे एक बच्चा बैठ गया, सॉरी हम लोग अगर टॉप पे तो आ गए लेकिन थोड़ा उधर जाएंगे बाद में। इधर से थोड़ा देख लो, ये भी पूरा टॉप नहीं है, अभी थोड़ा सा बाकी है ऊपर। चलो टॉप पे आने पे कुछ ऐसे दिखता है, अभी इसके थोड़ा और ऊपर जाएंगे ना तो और अच्छा दिखेगा। चलो ऊपर चलते हैं। ये है, ये है टॉप और सीधा सनलाइट दिख रही है यहाँ पे सबसे, मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा नज़ारा। एक दिन से घर से बाहर निकली नहीं थी, निकल रही तो इतना चल रही है। ये है टॉप, अभी ऊपर चलेंगे ऊपर से और अच्छा दिखता है। चलो ऊपर दो आ गए, ये मतलब कई खाने हैं यहाँ पे, कोई ना कोई। ये मेरे जो लेफ्ट साइड में था यहाँ पे, जिसको डांस प्रैक्टिस करना रहता है वो डांस प्रैक्टिस करता है और जिसको पढ़ना रहता है वो पढ़ता है। अभी यहाँ से नीचे उतरेंगे ना तो उधर सीधा मतलब जहाँ पे बच्चों का गार्डन है उधर से होके निकलेंगे बाहर। यहाँ पे नीचे भी एक कमरा है, मैं तो कह रही हूँ ना जब कपल्स ऊपर आ ही रहे हैं तो दरवाजे लगा दो, जब इतनी प्राइवेसी सबको चाहिए। यहाँ पे पेड़, यहाँ पे एक इमली का पेड़ भी है, इमली अभी हुई नहीं है नहीं तो चढ़ के तोड़ती। यहाँ पे ना शिवाजी का कुछ वो क्या बोलते हैं, हाँ हाँ तोप वगैरह है, रुक जाओ दिखाती हूँ आपको। यही है, ये है, इसको मेरे मामा बोलते हैं कि मैं आई थी उनके साथ में तो बोलते हैं शिवाजी का तोप है, तोप है तो इसका चलाने वाला किधर है, ठीक है क्या, इधर भी है क्या कुछ, नहीं इधर नहीं है कुछ, बस इधर है क्या कुछ, इधर भी नहीं है कुछ। और मेरे को लग रहा है ना कि ये तोप यहीं पे रख के चलाते थे, देखो मतलब इसका साइज़ भी उतना ही है और इसका साइज़ भी उतना ही है। चलो काश वो भी होता चलाने वाला जिसमें डाल के इसको चलाते थे। अरे इतनी अच्छी हवा लग रही है टॉप पे, ऐसे देखो मस्त दिखता है यहाँ से। चलो और हम लोग यहाँ से नीचे जा रहे हैं, ऐसे नीचे जाते टाइम एक गार्डन पड़ेगा, टूरिस्ट लोग आए हैं क्या, हमें लग रहा है शायद टूरिस्ट वगैरह भी आए हैं, तो हमने बोल के मतलब नहीं। नीचे गार्डन पड़ेगा बच्चों का जो कि एक साल में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, लग रहा है कुछ होने वाला है। मुझे क्या करना है, मुझे नीचे जाना है। बच्चों का गार्डन पड़ेगा जो कि एक साल में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो गया, पिछले साल जब मैंने उसको देखा था तो उबड़ खाबड़ था, टूटा फूटा था, उतना अच्छा नहीं था लेकिन अब अच्छा हो गया है। मेरी आँख में क्या पड़ गया समझ में नहीं,
तो चल दे उसी बच्चों के गार्डन में, चल के मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत ही अच्छा है। चलो यहीं पे हम लोग थे, यही था टॉप। सब तो पूरा घूम ही लिया, हम लोग जा रहे हैं नीचे जहाँ पे बच्चों का गार्डन है, मैंने बताया था ना, वहीं पे चल रहे हैं। बच्चों का गार्डन है, वो तो पिछले साल बहुत ही मतलब उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब उतना एक साल में इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है कि मतलब देखोगे तो ना खुद का भी खेलने का मन करेगा। और ये नीचे जाने का रास्ता मतलब कोई भी मतलब हरियाली वगैरह दिखती है ना तो बहुत सुंदर लगता है। अच्छा है, थोड़ा साफ सफाई का ध्यान दे रहे हैं, ठीक कर रहे हैं सब। ये एक अभी मैं घर पे जाऊंगी ना तो अपने भाई छोटे छोटे जो भाई बहन है, मामी माँ मामी के लड़के हैं सब, उनको ज़रूर लेकर आऊंगी। हो गया है अच्छा खासा दम बन गया है मतलब, और अभी बच्चे इतने आए भी नहीं हैं, जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतेगा, शाम के टाइम ज़्यादा आते हैं, जैसे 4 बजे खुलता है तो उस टाइम पे ज़्यादा आते हैं, इस टाइम पे उतना नहीं है। मेरी कमर दर्द कर गई घूम घूम के, मेरे को ज़्यादा मेरे को पसंद नहीं झूला झूलने में, लेकिन ठीक है अच्छा लग रहा है। अभी जा रही हूँ ना, अभी जाऊँगी तो अपनी बहन को, अपने भाई को और मेरी मामी की जो छोटी छोटी बच्चे हैं उनको भी लेकर आऊँगी। चलो तुम लोग को आज मैं गार्डन घुमा के लाती हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा बना दिया है, साल भर में बहुत ही अच्छा कर दिया है। चलो कुछ करूँगी, इधर आओ ना, पीछे से एक बार धक्का देना झूलने के लिए, आराम से देना, ज़्यादा जोर से नहीं, ज़्यादा जोर से नहीं, मेरी सांस फूलने लगेगी। सचा रहने दो, चलो अब हम लोग चले बुलबुले एक तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं। एक्चुअली मुझे झूला झूलना बहुत ही पसंद है, लेकिन कहते ना मेरी जहाँ जैसे जैसे झूला बढ़ेगा ना वैसे वैसे मेरी सांस एकदम अटकने लगती है। तो चलो बुलबुले एक तरफ चलते हैं क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया, कैमरे में उतना चार्ज भी नहीं है ना तो ख़त्म हो जाएगा, पता चला बुलबुले मैं दिखाई नहीं पाऊँगी। सुना बड़ा नहीं है बुलबुले, यही है। यही तो है भूल भुलैया, पजल टाइप कैसे सॉल्व करते हैं, इसी। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको सॉल्व करूं, यही है, छोटा सा ही है, अच्छा है। चलो छोटा सा है भूल भुलैया, चलो। और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी है ठीक बगल में। चलो